सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। दिल्ली में अब एक साल हो गया हमारी सरकार को। इस एक साल में खूब काम किया। दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए। जब सरकार बनी थी ना, लोग बिजली के बिलों से बहुत दुखी थे। बिजली के रेट आधे कर दिए हम लोगों ने। दिल्ली सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए हैं, पानी मुफ्त कर दिया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, मगर हकीकत कुछ और बयां करती है। ये हम नहीं, दिल्ली के वो निवासी हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दिया था और उम्मीद लगाई थी कि अब सब अच्छा होगा। आज दिल्ली जनता अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को ढूंढ रही है और पूछना चाहती है, आखिर जब बिजली ही नहीं दी तो बिल कैसा, पानी नहीं दिया तो ये बिल कैसा। आइए सुनते हैं इस इलाके के निवासियों को। करवाया बाबू हमारा तो जो केजरीवाल बोला था झाड़ू वाला जीतेगा, तो वोट तो झाड़ू वाला जीतेगा, तुम्हारे रोड बन जाएगा, तुम्हारे पानी आ जाएगा, तुम्हारे लाइट आ जाएगा, कुछ ना हुआ। हम अपने बच्चे दो दो मेरे बच्चे नौकरी करता है, दोनों को छुट्टी करवा के मैंने वोट दिया, केजरीवाल को जिताया, कुछ ना किया। सुनवाई नहीं है, देखता ही नहीं है। जब वो आएगा ना वोट की, जब घर घर हाथ जोड़ के आएगा, वोट दे दो जी तुम्हें ये करवाऊंगा, वोट दे दो जी वो करवाऊंगा, वोट लिया घर बैठ गया, क्या करा, कुछ नहीं करा हमारे को। तो अब यहाँ पे विधायक जी के पास गए, हमारे पास बाबू इतना वो नहीं, हम भागा भागी करेंगे, रोटी भी खाना है, चार प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो अभी झाड़ू पोछा के दो दिन नहीं जाएंगे, तीसरे दिन लात मार के भगा देगा। भैया यहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, नाली की सुविधा नहीं है और लाइट भी नहीं है, और हर सब मतलब ज्यादा ही दिक्कतें हैं यहाँ। जब केजरीवाल सरकार ने क्या कर दिया यहाँ पर, कुछ ना कर पाई जी। नु कहे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी जी। यहाँ तो पानी का बिजली कुछ भी ना आता, टैंकर बुला लिया, टैंकर भी ना आता पानी के लिए जी। नु कहन उठा के भागते रहो यहाँ से वहाँ। गरीब आदमी है, इन्होंने काफी अपने सिक्योरिटी भर रखी है और सिक्योरिटी भरने के बाद भी इनको पैसे वापस देते हैं और कहते हैं अभी वो नहीं मिलेगी तुम्हारे को बिजली। त्रिवेणी कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ खम्भे आना चाहिए और पानी बहुत जरूरी आना चाहिए, क्यों पानी की दिक्कत होती है, बहुएं बिटिया है ही नहीं, लाइट तो आएगी कहाँ से, जब लाइट खम्भे होंगे तभी तो लाइट लगेगी। आपने सुना किस तरह अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों को लोग कोस रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनकी फरियाद सुनेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी अनिल कुमार की रिपोर्ट।